नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश कर दिया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई नया कर नहीं लागू होगा। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी। पेंशन राशि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हमने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। वार्षिक आय जिनकी 2.5 लाख से कम है, उन्हें 2 साल तक 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। निराश्रित पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपये की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक वेतन मानदेय बढ़ाकर 6,500 से 10,000 किया गया है। सहायिका का मानदेय 3.5 से 5,000 बढ़ाया गया है। कि मूलभूत सुविधाओं के विकास के विकास हेतु अधोसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। नगरी क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र भी में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा करने का प्रस्ताव है। शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 2,38,961 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। आर्थिक स्थिति। अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य के आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। राज्य के चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8% के वृद्धि का अग्रिम अनुमान है, जबकि इसी अवधि में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 7% वृद्धि के अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्क्षेत्र में भारत सरकार के अनुमानित वृद्धि दर 3.5% के तुलना में राज्य में 5.93% के दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार के अनुमानित वृद्धि दर 4.1% की तुलना में राज्य में 7.8% के दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में भारत सरकार के अनुमानित दर 9.1% की तुलना में राज्य में 9.2% की वृद्धि का अनुमान है। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर केंद्र से अधिक अनुमानित है। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 4,06,416 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4,57,608 करोड़ होने का अनुमान है। इस खबर में तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखिलेश तिवारी इस वक्त रायपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सीएम भूपेश बघेल ने 1,21,500 करोड़ रुपए का जो आखिरी बजट है सरकार का वो पेश कर दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बजट पेश किए हैं और बजट को लेकर के कई तरह के जो सौगातें हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य को मिली है और ये काफी बड़ा बजट है, क्योंकि पहले के बजट की अगर बात की जाए और आज के बजट की बात की जाए तो 1,21,000 करोड़ की जो बजट लागत सुनियोजित किया गया है तो छत्तीसगढ़ के उत्थान और विकास के लिए किया गया है। खासतौर से मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और युवाओं, जो खासतौर से ऐसे युवा जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, ऐसे युवाओं को लेकर के एक नई सौगात भी दी गई है। और साथ ही साथ एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरीके से जो सौगात होनी चाहिए, जिस तरीके से बात की जाए
चाहे बेरोजगारी की दर को लेकर के या फिर रोजगार की समीकरणों को तैयार करने को लेकर के या फिर पंचायत स्तर के या फिर स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सबको एक विभाग में बांटा गया है और सबको कुछ न कुछ दर एक दिया गया है और ताकि इससे एक विकास के पायदान भी खड़ा हो सके। साथ ही साथ पंचायत स्तर की अगर बात की जाए तो पंचायत में लगातार गोबर खरीदी को लेकर के एक बड़ा माहौल भी तैयार किया जाता था और गोबर खरीद बेच करके कई ऐसे वर्ग हैं जो काफी लाभ प्राप्त भी किए हैं। तो ऐसी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बजट रखा और बजट सबसे काबिले तारीफ माना जा रहा है। जी अखिलेश, बजट के बाद सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पत्रकारों से और आम जन से यही घोषणा किया है कि छत्तीसगढ़ के विकास में सभी की भागीदारी है और छत्तीसगढ़ के जो बजट है उसको सभी वर्गों में विभाजित किया गया है, कोई भाई भतीजावाद की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और साथ ही साथ इस बजट की रूपरेखा को इस तरीके से तैयार किया गया था जो आम जन के हित में हो, जो किसान वर्ग को खासा प्रभावित करने वाला हो, खासतौर से पत्रकार वर्ग को भी एक बेहतर मुहैया कराने के लिए दें, क्योंकि पत्रकार वर्ग ऐसा होता है कि जो आवास विहीन रहता है, आवास नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से 50 लाख तक की जो अवधारणा राशि है वो निश्चित तौर पे दिया गया है, एक वर्ग को लाभ भी हुआ है। और कई ऐसे जो सुचारू रूप से जो काम करने वाले जो पत्रकार है, मजदूर वर्ग के पत्रकार भी जो कहे जाते थे, उनको भी लाभ प्राप्त करवाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये रणनीति बना करके बजट पेश किया है। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में बजट पेश किया और ये सीएम बघेल के कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और इसके साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी पेश किया। आपको बता दें कि बजट को राज्य सरकार के भरोसे का बजट के नाम से पेश किया गया और बजट पेश करने के बाद सीएम बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को बजट के बारे में जानकारी दी। मुख्य रूप से जो बजट है गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहलाता था, हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों में अब धन के कटोरे के रूप में परिवर्तित किया है। बजट एक नज़र में आपको बताना चाहूँगा, पिछले साल कुल आय 1,04,000 करोड़ था, अब बढ़ के 2023-24 का बजट अनुमान है 1,21,501 करोड़ का। व्यय पिछले साल 1,04,000 करोड़, वहीं अनुमानित जो 2023-24 का 1,21,500 करोड़। राजस्व व्यय पिछले समय 88,372 करोड़, और जिसमें पूंजीगत व्यय 15,241 करोड़, और इस वर्ष 102 करोड़ $1,02,501 करोड़ और पूंजीगत व्यय है 18,660 करोड़। वर्ष 22-23 में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93% अधिक है। बजट का जो मुख्य आकर्षण है, मैं पहले ही कहा था, ये धान का कटोरा अब धन के कटोरे के रूप में, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसके तहत 6,800 करोड़ का प्रावधान है, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र में भी इसका विस्तार होगा, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना जिसमें नौजवानों को 2,500 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ का प्रावधान है, निराश्रित बेरोजगार निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत दी जाने वाली जो मासिक पेंशन है वो 500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी, नगरीय क्षेत्र के अधोसंरचना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क स्थापित की जाएगी, उसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है, मनेन्द्रगढ़, गीतम, चांपा, जांजगीर, कबीरधाम में नए 4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी जिसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
छत्तीसगढ़ के बजट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों, बेरोजगारों, आदिवासी समुदाय, किसानों और मजदूरों और युवाओं के लिए प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहलाता है, हमने पिछले 4 वर्षों से अब उसको धन के कटोरे के रूप में परिवर्तित कर दिया है। देखिए, पहली बार ये हुआ है कि कहते थे किसान क्या बजट बनाएगा, लेकिन रमन सिंह जी को 3 कार्यकाल का मौका मिला और पहली बार ये हुआ है कि 2011-12 के बाद अभी तक के आज 6 मार्च हो गया, हमने बाजार ऋण नहीं लिया है और ये घाटे के नहीं बल्कि हमारा सरप्लस बजट है। और इस बजट में किसानों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है, मजदूरों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, कोटवार और पटेलों के लिए है, सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें है, इस बजट में। तो ये सबसे ज़्यादा पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकांश वर्ग के लोगों को इसमें कवर किया गया है और सब खुशियां मना रहे हैं और ये बजट बहुत अच्छा बन पड़ा है, चाहे निर्माण कार्यों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे लोगों को के अर्थव्यवस्था सुधारने की बात हो। तो इस बजट बहुत ही प्रगतिशील और छत्तीसगढ़ को आगे नौकरी देने के लिए आरक्षण की ज़रूरत है और आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ही राजभवन में अटका कर रखे हैं। यह आरक्षण यदि लागू होता तो बहुत सारी भर्तियां हम शुरू कर पाते हैं, बहुत सारे पद इसमें भी हमने स्वीकृत किए हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पुलिस हो, सब में व्यवस्था है। और पुराने जो पद हैं वो भी, उसके लिए भी भर्ती हमने निकाले हैं, लेकिन ये यहाँ के लोगों को लाभ मत मिले, यहाँ के लोगों को पक्की नौकरी ना मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है, क्योंकि वही आरक्षण के बिल पे दबाव डाल के राजभवन का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और वो बिल पारित नहीं होने दे रहे, जबकि पिछले समय राज्यपाल जी ने खुद कहा था कि 1 घंटे के भीतर मैं वो बिल में हस्ताक्षर करूंगी। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10,000 और सहायिका के लिए 5,000 मानदेय बढ़ाने को लेकर खुशी की लहर है। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आंदोलनरत आंगनबाड़ियों कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बधाई दी और धरना स्थल पर होली का माहौल बना दिया। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे पहली बार इतना साल बाद, हर बार 15-20 साल बैठती थी, पहले भी 15 साल बैठी, 1500 बढ़ा, लेकिन अब पहली बार मेरा ये जिंदगी में, अभी 35 साल आंगनबाड़ी में हो गया, पहली बार हमारे बजट में जो हमारे मांग था कलेक्टर दर 10,000, वो हमारे सरकार पूरा किया। और इतना दिन जो सरकार को बोली मुर्दाबाद, आज जिंदाबाद हो गए और सरकार का भला भी चाहती हूँ कि आगे ऐसी और बढ़ाए और 5 साल सरकार आए पद में। और हमारे हम लोग का, महिलाओं का जो तोहफा देना था होली का, वो तोहफा दे दिए कांग्रेस सरकार ने, जो चुनावी वादा किए थे वो उसको पूरा किए। अभी आगे हम लोग कभी ऐसी करते रहे तो कांग्रेस सरकार को हम लोग और हर बार आते रहेंगे कांग्रेस सरकार। अभी हम लोग को और भी मांग है, वो पूरा मांग को करते जाएंगे हम लोग आगे, उनको भी अध्यक्ष। आज हमारे राज्य सरकार ने बजट पेश किए, उससे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इतनी खुश है। होली से पहले उनको ये बहुत बड़ा इनाम मिला है, तो इसके लिए वापस अपने कांग्रेस को लाने के लिए सब सहयोग करेंगे, शुभकामनाएं दे रही है और बहुत ज्यादा खुश है। नाचना गाना सब हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर संभाग अंतर्गत नागरिकों को ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया संबंधित अपराधों और अन्य ऑनलाइन साइबर क्राइम से जागरूक करने के उद्देश्य से बस्तर के युवा समूह PIR प्रोडक्शन ने एक म्यूजिकल वीडियो तैयार किया है। इस म्यूजिकल वीडियो का टीजर पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राज पी के द्वारा लॉन्च किया गया। सुंदर राज पी ने सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से साइबर अपराध के संबंध में नागरिकों को जागरूक करना और घटना की रोकथाम के साथ साथ साइबर और ऑनलाइन सेवाओं के उपभोक्ताओं को होने वाली मानसिक प्रताड़ना एवं आर्थिक क्षति की
को भी जो है रोका जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जब भी एम्स खुलेगा वो बिलासपुर में ही खुलेगा। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद सरगुजा में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां सिंहदेव के इस बयान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर के संगम चौक पर बाल मुंडन कर राज्य सरकार और टीएस सिंहदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल महानगरों में एम्स खोलने की तैयारी केंद्र सरकार की है, वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल खोलने की स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थन देने के बाद मुख्यमंत्री ने भी इसमें अपनी सहमति जता दी है, जिसके बाद सरगुजा में बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल खोले जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जब चुनाव लड़ना होता है तो वो अंबिकापुर से चुनाव लड़ते हैं और लोगों का सहयोग मांगते हैं, और जब एम्स हॉस्पिटल की सौगात देने की बात आती है तो उन्हें बिलासपुर को चुना। विधानसभा में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने ये कहा है कि जब भी एम्स यदि छत्तीसगढ़ में दूसरा खुलेगा तो वो स्थल बिलासपुर होगा। अंबिकापुर के होने के नाते और सरगुजा जिला के एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम सब यह पूछना चाहते हैं उनसे कि जब आपको वोट लेना होता है, जब आपको जनप्रतिनिधि बनना होता है तो आप अंबिकापुर से बनते हो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में जब बढ़ोतरी की बात है तो आप कहीं और की बात करते हो। अंबिकापुर और साथ ही साथ सरगुजा संभाग में लगभग 50 लाख लोग सरगुजा संभाग में रहते हैं और ये हमारी दूरी जो है 300 किलोमीटर से दूर रायपुर हमारे पास से 300 किलोमीटर दूर रांची है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हम बदहाल हैं। एक पिता जो कंधे पर बेबस पिता जो कंधे पर अपनी बालिका के शव को लेके जाता है, ये नज़ारा सरगुजा में देखने को मिलता है। एक ही रात में 6-6, 7-7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ये स्वास्थ्य मंत्री के शहर का प्रबंधन है। और उसके बाद यदि एम्स की बात होती है तो क्यों ना हमारी इस वनांचल को, सरगुजा को और आसपास में भी जो लोग हैं वो सब जनजातीय समाज की बहुलता है, ऐसे हमको क्यों हमारा अधिकार छीना जा रहा है। और मेरा ये आरोप है कि सिर्फ इसी का नहीं, एक समय ऐसा भी था जब सबसे ज्यादा कोयला की खदानें कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर हमारे जिले में। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में होली का उल्लास पूरी तरह छाया हुआ है। बसंत पंचमी से आरंभ हुआ रंगों का उत्सव अब चरम पर है। गुड़रदेही विधानसभा के कांग्रेस विधायक द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बीरेस ठाकुर के साथ जिले भर से कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन ने अपनी भागीदारी निभाई, और जिसपे विधायक कुंवर सिंह निषाद खूब थिरके। इस दौरान उन्होंने समारोह में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश है तो भरोसा है, उन्होंने अनेक विकास कार्य किए हैं और होली त्योहार को असत्य पर सत्य की व अन्याय पर न्याय की जीत है कहते हुए लगातार अपने विधानसभा में विकास के काम करने की शपथ ली। साथ ही आपको बता दें कि समारोह में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होली खेल भाग गीतों पर जमकर ठुमके जो है लगाए। होली तो इसे पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जैन हमार होली के जैन त्यौहार है वो हमन परंपरागत रूप से मनाथन, और आज ये होली के त्यौहार हमन कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम से करें आयोजन कि हमारे गुंडरदेही विधानसभा के पूरा जम्मू कार्यकर्ता है, हमर सियान जवान बहनी महतारी सब मन एक मंच में सकला के बढ़िया होली के पहले आज हमर पूरा कार्यकर्ता मन एक जगह बैठे हैं और सब एक दूसरे के ऊपर बढ़िया गुलाल लगाए रंग उलाए। वो उमंग उत्साह के त्यौहार जिनमें आदमी रंग में सराबोर होके बढ़िया खुशी के साथ ये उमंग के रूप में त्यौहार मनाते, और साल भर यदि काकरों से कोनो प्रकार के बात रह जाते मन में कोनो बात रह जाते तो आज होली के दिन ऐसे वो रंग लगा के सारा चीज ला राग द्वेष ला खत्म करे के जिन त्यौहार है ये ला हमन होली के त्यौहार मनाथन। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्मानी कुंवर सिंह निषाद जी को, कुंवर सिंह निषाद जी के साथ साथ हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश दाऊद जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का त्यौहार हरेली से चालू होती है और अंतिम होता है होली। हमको गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में
सम्मानित कुंवर सिंह निषाद के ये जो होली मिलन कार्यक्रम रखा गया है, और इस होली मिलन कार्यक्रम में गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता से लेकर एक एक पदाधिकारी गण यहाँ उपस्थित होकर बड़ा उमंग के साथ इस त्योहार को मना। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में बीते कुछ दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस पूछताछ में जुटी थी। चोरी की सभी घटनाओं में चोरों द्वारा एक ही तरीका अपनाया गया था। वहीं जारी विज्ञापन के मुताबिक आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने टीम गठित कर चोरों की पतासाजी का निर्देश दिया, और इसी दौरान पुलिस को मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिली कि चोरी का जो आरोपित दंतेवाड़ा जिले का निवासी है। विभागीय उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की एक टीम चितालका दंतेवाड़ा के लिए रवाना हुई। आरोपित महेंद्र रिवाना को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से नकदी, जिसकी रकम 58,350 रुपये, एक नग ओप्पो कंपनी का एंड्रॉइड मोबाइल फोन और एक नग स्मार्ट वॉच जिसकी कुल कीमत 74,350 रुपये है, बरामद उसे किया गया। आरोपित द्वारा बताया गया कि वो छत्तीसगढ़ के आर्म्स फोर्स में पूर्व में आरक्षक के पद पर पदस्थ था, और जो कि वर्तमान में बर्खास्त होकर चोरी का काम करता है। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।